हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप शर्मा पुनः आपका स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लगातार वॉइसेस पढ़ते आ रहे हैं और वॉइसेस में हम कवर कर चुके हैं जनरल सेंटेंसेस, हम पढ़ चुके हैं कि डू डज डिड अगर किसी सेंटेंस में आता है तो किस प्रकार हम उसका वॉइस चेंज करते हैं। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में पढ़ाया कि किस प्रकार हम केवल दो शब्दों से वॉइस चेंज कर सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार का कोई रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। उसी सीरीज़ में दोस्तों हम लगातार 5 वीडियो बना चुके हैं और अब हम अपनी 6ठी वीडियो में वॉइस पार्ट 6 इम्पेरेटिव सेंटेंसेज पढ़ेंगे और इम्पेरेटिव सेंटेंसेज के रिगार्डिंग भी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज का वॉइस चेंज किया जा सकता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वहां दोस्तों मैंने एक्सप्लेन भी किया कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले वाली वीडियोज को जरूर देखिए। दोस्तों, आप कोशिश करते रहिए, सरस्वती एकेडमी हर तरह से आपके साथ खड़ी है मुश्किल के इस दौर में, क्योंकि जब मुश्किलें बड़ी होती हैं उस समय सफलता और बुलंदियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, समस्या का सामना करना है, अपने घर पर सजग रहना है और जब आप सजग और सचेत रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे तो आज नहीं कल आप अपने मुकाम को हासिल जरूर करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों कि किस प्रकार इम्पेरेटिव का जो नेगेटिव होता है उसका हम वॉइस चेंज करेंगे। बड़े ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इम्पेरेटिव का नेगेटिव बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, ये दो प्रकार से बनता है। ये बनता है डोंट से और ये बनता है नेवर से। कुछ इस प्रकार इनका स्ट्रक्चर होता है, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इस प्रकार होता है कि नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, इम्पेरेटिव का नेगेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज के बारे में हमने बात की थी। हिंदी में अगर बात करें तो इनको कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में केवल लेकिन आदेश नहीं दिया जाता, उसमें रिक्वेस्ट भी की जाती है, एक अनुरोध भी किया जा सकता है या फिर सलाह या सुझाव भी दिया जा सकता है, कमांड भी दी जा सकती है। तो आदेशात्मक वाक्य केवल इनका नाम है लेकिन इनमें आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, अब हम इस तरह के सेंटेंसेज का वॉइस किस प्रकार चेंज करेंगे जो डोंट से शुरू होते हैं। जैसे मैंने लिखा, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, डोंट ओपन द डोर। बहुत एक आसान सा सेंटेंस है, ये आसान सा ये वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। हम इसको तीन तरह से बदल सकते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो इम्पेरेटिव का पॉजिटिव पार्ट मैंने आपको कराया था उसमें भी हम तीन तरह से सेंटेंसेज को बदल सकते थे। एक मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बदल सकते हैं शुड का प्रयोग करके। दूसरा हम बदल सकते हैं लेट का प्रयोग करके। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर यहां पर वर्ड था ऑर्डर्ड, या फिर ऐसे ही वर्ड था यहां पर एडवाइज्ड, वर्ड था सजेस्टेड, कमांडेड प्लस टू प्लस सेम सेंटेंस। ये कुछ इस प्रकार से हमने तीन तरह से बदलना सीखा था। अब दोस्तों, ये था पहली वीडियो में जो पहला टाइप हमने पढ़ा था। अब हम इसको भी तीन प्रकार से ही बदलेंगे और वही तीन प्रकार में पहला शुड से जब हम इसको बदलते हैं, शुड से वॉइस चेंज करना। देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है डोंट ओपन द डोर, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डू को हम चेंज करके नहीं लिखते। तो हमारे पास बचा क्या, नोट, क्योंकि डोंट का अर्थ है डू नोट। हमारे पास बचा क्या, नोट, और ओपन द डोर का आप पहले ही वॉइस चेंज कर चुके हैं। आप यहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे किसको, द डोर, उसके बाद आप लिखेंगे शुड, शुड के तुरंत बाद तीसरे नंबर पर आप लिख देंगे नोट,
शुड के तुरंत बाद तीसरे नंबर पे आप लिख देंगे, नॉट और उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी की, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना, ये मैं आपको सबसे पहली वीडियो में बता चुका हूं। आप यहां पर लिखेंगे बी और आप लिखेंगे ओपनड। देखिए दोस्तों दोबारा, अगर यहां पर डोंट से कोई सेंटेंस शुरू है तो आप क्या करेंगे, जो आपने पहला सेंटेंस पहली वीडियो में जो हमने चेंज किया था ओपन द डोर, सेम उसी प्रकार से आप इसको चेंज करेंगे। आप लिखेंगे शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शुड, लेकिन शुड के बाद इसमें नॉट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस बनाना है हमें नेगेटिव। अगर ये सेंटेंस होता डोंट ओपन द डोर की जगह नेवर ओपन द डोर, अगर ये सेंटेंस होता नेवर ओपन द डोर तो फिर क्या होता, नेवर ओपन द डोर को अगर हम बदलते तो इसको इसी प्रकार बदलते, द डोर शुड नेवर बी ओपनड। अगर डोंट आया हुआ है तो आप लिखेंगे नॉट, और अगर नेवर आया हुआ है तो आप लिखेंगे नेवर को ही। मेरे हिसाब से आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार हम इन सेंटेंसेज का शुड का प्रयोग करके वॉइस चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे और हम लेट से किस प्रकार चेंज करेंगे वो देखते हैं। देखिए दोस्तों बड़े ध्यान से देखना है, मैं आपके सामने तीनों सेंटेंसेज एक साथ भी लिख दूंगा लेकिन पहले आप एक एक करके सीखिए। देखो मैंने लिखा यहां पर डोंट प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस लिख दिया। इसको आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्रिकेट शुड नॉट बी प्लेड। ये बी प्लेड आया इस प्ले के लिए, ये नॉट आया यहां से, और ये क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया, और शुड आपने अपने पास से लगाना है। अब देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार हम लेट का प्रयोग करके बनाते हैं सेकंड टाइप। लेट का प्रयोग करके किस प्रकार हम वॉइस चेंज करेंगे ये देखना है। आप दोबारा मेरे साथ बोलेंगे कि शुड से पहले सब्जेक्ट और लेट के बाद ऑब्जेक्ट, शुड से पहले सब्जेक्ट लेट के बाद ऑब्जेक्ट, शुड से पहले सब्जेक्ट लेट के बाद ऑब्जेक्ट। जब आप बार 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 बोलेंगे तो आपको ये चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए दोस्तों किस प्रकार बनाएंगे, मैंने लिखा सबसे पहले लेट, लेट के बाद मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, क्या बना क्रिकेट, लेट के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो लेट क्रिकेट। उसके बाद नंबर तीन हमें लिखना है नॉट, और उसके बाद लिखेंगे बी प्लेड, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड, क्योंकि लेट के बाद क्या आएगा क्रिकेट। इज इट क्लियर, और ध्यान से देखिए मैंने वही वाला सेंटेंस में दोबारा लिख देता हूं ओपन द डोर, और इसके आगे मैंने लिख दिया डोंट ओपन द डोर, तो कैसे बनाएंगे, लेट द डोर नॉट बी ओपनड, लेट द डोर नॉट बी ओपनड, तीसरे नंबर पे नोट लगाना है। अगर नेवर से बनाएंगे, मैंने सेंटेंस लिख दिया कि नेवर ओपन द डोर, नेवर ओपन द डोर, तो किस प्रकार बनेगा, लेट द डोर नेवर बी ओपनड, लेट द डोर नेवर बी ओपनड, लेट द डोर Never be opened। तो बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर हमने लिखा यहां पर don't open the door, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर सेंटेंस don't से शुरू हुआ है तो आप केवल not लगाएंगे, और यहां पर never लिखा हुआ है तो आप never लगाएंगे। दोनों टाइप मैं आपको समझा चुका हूं, पहला मैंने बताया कि आप should का प्रयोग करके किस प्रकार बनाएंगे, दूसरा मैंने बताया कि आप let का प्रयोग करके किस प्रकार imperative sentence के negative का voice change करेंगे। अब दोस्तों हम तीसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज या सजेस्टेड, इसका वॉइस किस प्रकार चेंज करेंगे बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर हमारे सामने एक समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि हम यू आर रिक्वेस्टेड में कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम इस सेंटेंस के बीच में कहीं भी नोट नहीं लगा सकते, यहां हम तीसरे नंबर पर नोट नहीं लगा सकते।
तो कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? और आजकल SSC CGL मेंस में इस वर्ष का क्वेश्चन बताता हूँ, SSC CGL मेंस में जो पिछला मेंस हुआ था उसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंटेंस को नेवर से शुरू किया गया था और ठीक जो आंसर है वो यहाँ से चेंज करके दिया था। तो दोस्तों बड़े ध्यान से देखिए, हमारा अगला कंसेप्ट हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो पॉइंट थर्ड, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और हम उसका वॉइस चेंज करना चाहते हैं, तीसरी टाइप में हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड से वॉइस बदलना। कैसे बदलेंगे? नेगेटिव का मैंने सेंटेंस लिखा, यहां पर एक वही सेंटेंस हम दोबारा लेते हैं। मैंने लिखा डोंट ओपन द डोर। सबसे पहले हमने शुड से बदला तो पहली टाइप बनी द डोर, क्योंकि शुड से पहले सब्जेक्ट आता है, द डोर शुड नॉट और लास्ट में बी ओपनड। ये तो चीज सब में आएगी, ये तो कॉमन है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप वॉइस बदल रहे हैं तो ये तो कॉमन है, ये तो आएगा ही आएगा। दूसरा देखिए, मैंने लिखा लेट द डोर नॉट बी ओपनड, यानी अगर आप लेट से बनाते हैं तो लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, अगर आप शुड से बनाते हैं तो शुड से पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब तीसरे पॉइंट पे आइए जो हमें अभी समझना है, इसमें क्या होगा। देखिए आपने लिखा यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि अगर यहां पर प्लीज या काइंडली होता, प्लीज डोंट ओपन द डोर, प्लीज डोंट ओपन द डोर, काइंडली डोंट ओपन द डोर, अगर प्लीज या काइंडली होता फिर तो हम यहां रिक्वेस्ट लिख देते, या सेंटेंस से ऐसा कोई भाव आता कि इसमें तो एडवाइस दी गई है, इसमें तो सजेशन दिया गया है, इसमें तो कमांड दी गई है, फिर तो हम लिख देते। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम कैसे चेंज करेंगे, हमने ऑर्डर्ड शब्द का यूज कर लिया। इसके बाद आपको लिखना है यहां नॉट टू शब्द लिखना है, नॉट टू दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर यहां पर डोंट है, ये वो सेंटेंस है जिसमें नॉट आपका थर्ड पोजीशन पर नहीं आता, क्योंकि इतने सेंटेंस में आप बदलाव नहीं कर सकते, इट्स द रेडीमेड स्ट्रक्चर। मैंने यही तो बताया आपको, ये वाला शब्द बदल सकते हैं लेकिन इसके बीच में आप कुछ और नहीं लगा सकते, इसलिए इसके तुरंत बाद आप नॉट लगाएंगे और फिर टू लगा के सेंटेंस को जोड़ देंगे। आप लिखेंगे नॉट टू ओपन द डोर। अगर यही सेंटेंस हमारा डोंट की बजाय नेवर से शुरू होता, अगर यहां डोंट की बजाय नेवर होता तो हम यहां नॉट की जगह क्या लिख देते, नेवर लिख देते, यहां पर नॉट की जगह क्या लिख देते, नेवर लिख देते, और यहां पर नॉट की जगह क्या लिख देते, नेवर लिख देते। तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे, लेकिन दोस्तों ये यहां ही समाप्त नहीं हो जाता है। एक टाइप और है जिससे हम वॉइस में इंपेरेटिव नेगेटिव को बदल सकते हैं, और वो है नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके। टाइप फोर बनेगी नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके, नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके, यानी हम केवल इंपेरेटिव के नेगेटिव को ही, केवल देखो कितनी डेप्थ है टॉपिक में, हम पढ़ रहे हैं वॉइस, वॉइस में हम अपना सिक्स्थ पार्ट पढ़ रहे हैं, सिक्स्थ पार्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं नेगेटिव इंपेरेटिव, और नेगेटिव इंपेरेटिव के अंदर भी हम फोर्थ टाइप पढ़ रहे हैं। यानी अगर हम बात करें कि हम कितना कुछ कवर कर रहे हैं, तो हम वॉइस से चले, वॉइस से चलकर हम आए वॉइस की टाइप्स में और हम पहुंचे इंपेरेटिव में, इंपेरेटिव से हम उसके टाइप्स में आए और हम पहुंचे नेगेटिव में, और नेगेटिव का वॉइस चेंज करने की चार विधियां हैं, तीन विधियां हम पढ़ चुके हैं और अब हम हैं चौथी विधि में, किस प्रकार हम इसका वॉइस चेंज करेंगे नेगेटिव वर्ड से।
सबसे पहले तो हमें उन नेगेटिव वर्ड्स को जानना है कि वो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं और किस प्रकार हम नेगेटिव वर्ड्स की सहायता से वॉइस चेंज कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, ये मैंने लिखा नंबर 4, नेगेटिव वर्ड से वॉइस चेंज। देखो बड़े ध्यान से, मैंने लिखा कि आप ना यहां यू आर ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड नहीं लिखना चाहते, आप ये चाहते हैं कि इस शब्द की जगह कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड लिख दिया जाए। जैसे वर्ड है फॉरबिड, फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, और आपने यहां लिख दिया थर्ड फॉर्म फॉरबिडन। आपने यहां लिखा डिनाइड, आपने यहां लिखा प्रोहिबिटेड। देखिए, मैंने अगर कहा कि डोंट ओपन द डोर, इसका मतलब है कि दरवाजा मत खोलिए, मैंने वो दरवाजा खोलने के लिए आपको मना किया है, तो आप क्या करेंगे, आप कोई ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ ही मना करना होता है। फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, डिनाई का अर्थ होता है मना करना, प्रोहिबिट का अर्थ होता है मना करना, और अगर आप इन तीनों का ही प्रयोग कर रहे हैं या तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो नेगेटिव सेंस डोंट वर्ड ने दी थी वो नेगेटिव सेंस यहां पर आ गई। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद आप लिखेंगे टू, और टू के बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी फिर आपने डोंट को दोबारा से नहीं लिखना। जैसे देखिए, मैंने लिखा डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर, इसको कैसे चेंज करेंगे, कोई भी एक शब्द आप इन तीनों में से प्रयोग करेंगे, आप लिखेंगे द फ्लावर, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आपने लिखा द फ्लावर आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या यू आर डिनाइड, जैसे हमने वर्ड लिख दिया डिनाइड, आप ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं, तीनों का अर्थ ही होता है मना करना, मना करना, तीनों ही नेगेटिव वर्ड है फॉरबिड डिनाई और प्रोहिबिट, यू आर डिनाइड। फिर हम लिखेंगे टू प्लक द फ्लावर, इसमें जो गलती होती है, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं जब चार ऑप्शन होते हैं, तो आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया जाता है जिसमें इस डिनाई फॉरबिड या प्रोहिबिट के बाद आपको नोट लिख कर दिया जाएगा। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता, कभी भी इनके साथ नोट नहीं लगेगा, यानी ये सेंटेंस लिखना 100% गलत होगा, यू आर डिनाइड नॉट टू प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड हैं, इनके अंदर ही नोट की सेंस है, इसलिए हम कभी भी इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। कंसेप्ट हैव यू गेन, दोबारा देखिए, मैं बोल रहा हूं कि आप शुड का प्रयोग करके चेंज कीजिए, कोई समस्या नहीं, आप लेट का यूज करके चेंज कीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड से चेंज करते हैं तो आपको नोट लिखना पड़ेगा, तो आपको नोट लिखना पड़ेगा। अगर आप यहां चेंज करते हैं तो नेगेटिव में चेंज करते हैं तो आपको नोट लिखना पड़ेगा, बट अगर आप नेगेटिव वर्ड से चेंज करते हैं, यहां आप लिख सकते हैं कि आपको यहां नोट लिखना पड़ेगा। मैं ये लिख ही देता हूं कि किसमें नोट लिखना और किसमें नहीं, शुड वाले में आपको नोट लिखना पड़ेगा, लेट वाले में आपको नोट लिखना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड वाले में नोट लिखना पड़ेगा, बट इसमें आपको नोट नहीं लिखना। बताइए आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बस सीधा क्या लिखना है, डिनाइड के बाद टू लगाइए और सेम सेंटेंस लिख दीजिए, डोंट को हटा दीजिए वहां से। अब समस्या कहां होती है, समस्या आती है जो मैं अभी बात कर रहा था कि पिछले सीजीएल मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, वो इससे बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे डिस्कस कर रहा हूं अभी मैं, बहुत ध्यान से देखिए, मैंने लिखा देखिए, मैंने यहां सेंटेंस लिख दिया नेवर
ओपन द डोर, और इसको पहले चेंज किया, सबसे पहले शुड से, तो मैं लिखूंगा द डोर शुड नेवर बी ओपन्ड। अभी नेवर का अर्थ मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। नेवर का अर्थ क्या होता है? कभी नहीं। ये लिख दिया मैंने, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। तो देखिए यहां पर हमने लिखा नेवर, तो द डोर शुड नेवर बी ऑप्शन ओपन्ड, यहां पर ये नेवर आ गया। अब मैं इसको बनाता हूं लेट से, मैंने लिख दिया लेट द डोर नेवर बी ओपन्ड, तो यहां पर भी ये नेवर आ गया, यानी नेवर की सेंस बरकरार है। फिर मैंने लिखा यू आर ordered never to open the door, you are ordered never to open the door, यहां भी never की sense बरकरार है कभी नहीं। अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा you are denied, और ये है concept जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, ये है most important point, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं मोस्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये पहले नहीं पूछे जाते थे इस तरह के क्वेश्चंस, अभी मेंस वगैरह में ही पूछे जा सकते हैं। जो छोटे एग्जाम्स होंगे, जैसे आपके वनडे एग्जाम्स जितने भी होंगे या फिर प्री जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को कम मिलेगा। ये आपका मेंस लेवल तक जो प्रिपरेशन करना चाहता है बच्चा, उसके एग्जाम्स में ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए बड़े ध्यान से, यहां मैंने लिख दिया यू आर डिनाइड Never to open the door. अब समस्या क्या हुई कि ये never भी नेगेटिव वर्ड है और ये denied भी नेगेटिव वर्ड है। अब या तो मैं denied नहीं लगा सकता या मैं never नहीं लगा सकता। अगर मुझे अपने आप से चेंज करना हो तो मैं ऊपर वाली तीनों में से किसी को भी चेंज कर सकता हूँ, बट पेपर में क्वेश्चन देंगे, हो सकता है कि यहाँ से ये बी हटा के दे दे, हो सकता है कि यहाँ से आपको ओपन लिख के दे दे, हो सकता है कि यहाँ से ये टू हटा के दे दे, ऊपर वाले तो तीनों ही गलत हो गए। अब इसको ठीक करना है तो कैसे ठीक किया जाए? देखिए मैं यहाँ नेवर की सेंस भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि नेवर की, मान लीजिए मैं नेवर को हटा देता हूँ, एक मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मैंने नेवर को हटा दिया, तो फिर नोट वाले सेंटेंस में और नेवर वाले सेंटेंस में अंतर ही क्या रहा? नोट वाले सेंटेंस में और नेवर वाले सेंटेंस में कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि डोंट ओपन द डोर का भी यही बनेगा, यू आर डिनाइड टू ओपन द डोर। क्या अंतर रहा? उस अंतर को जानने के लिए ही ये सेंटेंस मैंने लिखा है कि जब आप नेवर से सेंटेंस शुरू होता है और आप उसका वॉइस चेंज करते हैं, और वॉइस चेंज करते समय आप नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, तो नेवर का हो जाएगा एवर, नेवर का हो जाएगा एवर। अगर मैं ये बोलता हूं ऑलवेज भी आ सकता है, हमेशा नहीं, तो इसका अर्थ हो गया कभी नहीं। हमेशा नहीं का अर्थ है कभी नहीं। अगर आप यहां लिखते हैं यू आर डिनाइड ऑलवेज टू ओपन द डोर, इसका मतलब आपको हमेशा दरवाजा खोलने के लिए मना किया गया है, यानी कभी नहीं खोलना आपने। बात क्लियर है? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। मैं दोबारा इसके बारे में बात करता हूं कि अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है और आप उसका वॉइस चेंज करना चाहते हैं, तो आप उस सेंटेंस को अगर नेवर से शुरू करते हैं तो चार प्रकार से आप उसको बदल सकते हैं। पहला शुड का प्रयोग करके नेवर लग जाएगा। अब इसको ठीक कर लेते हैं, द डोर शुड नेवर बी ओपन्ड, इसको भी ठीक कर लेते हैं, द डोर लेट द डोर नेवर बी ओपन्ड, फिर इसको भी ठीक कर लेते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नेवर टू ओपन द डोर, और इसको ठीक करने के लिए यू आर डिनाइड, क्योंकि डिनाई के साथ नेवर नहीं आ सकता, इसलिए नेवर का पॉजिटिव सेंस लेना पड़ेगा, और नेवर का पॉजिटिव क्या बनेगा? दैट वुड बी एवर। बताइए दोस्तों, समझ आया? आप वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और जब तक आप शुरू से शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक आपको समझ आएगा भी नहीं। शुरू से शुरू कीजिए और हर एक पॉइंट को लिखते चले जाइए, जहां डाउट आए वहां आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का आपको श्योरली आंसर मिलेगा।
तो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लेट से जो सेंटेंस इम्पेरेटिव शुरू होते हैं जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, इसका वॉइस किस प्रकार चेंज करेंगे, और फिर दोस्तों हमारा आएगा मिसलेनियस एक्सेप्शंस और उसके बाद फिर प्रैक्टिस, तब जाके हमारा वॉइस कंप्लीट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।